भारतीय नौसेना में कलवरी क्लास सबमरीन यानी पनडुब्बी INS बागीर को आज शामिल किया गया। नौसेना के मुताबिक ये पनडुब्बी भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ावा देने का काम करेगी। ये खुफिया निगरानी और टोही यानी ISR पर काम करती है। INS बागीर कलवारी क्लास की पांचवी पनडुब्बी है और इसमें कई मिसाइलें रखी जा सकती हैं। इसका रडार सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन रडार सिस्टम में से एक है। इसकी स्पीड भी बेहद अच्छी है। 67 मीटर लंबी ये पनडुब्बी पानी के ऊपर 20 किलोमीटर और पानी के अंदर 40 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती है। इसमें एक साथ 50 से अधिक नौसेना के जवान शामिल हो सकते हैं। 45 से 50 दिन तक ये पानी में रह सकती है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी से ये रडार की पकड़ में नहीं आती। किसी भी मौसम में कार्य करने में सक्षम है और इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पिछले हिस्से में मैग्नेटाइज्ड प्रोपुलेशन मोटर लगा हुआ है, जिससे आवाज बाहर नहीं आती। INS बागीर दो पेरिस्कोप से लैस है। इसके भीतर एडवांस वेपन भी है। सबमरीन में लगे हथियार और सेंसर हाई टेक्नोलॉजी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।